लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की टीएमसी ने भाजपा के साथ अपनी साझेदारी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। तमिल मनीला कांग्रेस ने तमिलनाडु का 2021 का विधानसभा चुनाव भी एआईएडीएमके और भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को तमिलनाडु में टीएमसी का साथ मिल गया है। दरअसल जीके वासन के नेतृत्व वाली पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। जीके वासन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि तमिल मनीला कांग्रेस बतौर एनडीए सहयोगी भाजपा के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वासन ने यह भी कहा कि 27 फरवरी को पीएम मोदी की पालादम में होने वाली रैली में वह भी शामिल होंगे। टीएमसी ने संकेत दिए हैं कि वे एआईएडीएमके के साथ अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। एआईएडीएमके ने सितंबर 2023 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। हालांकि वासन ने साफ किया है कि गठबंधन आने वाले दिनों में आकार लेगा और अभी सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होना है। मीडिया से बात करते हुए जीके वासन ने कहा कि आज हमें लगता है कि देश का आर्थिक विकास और सुरक्षा समय की जरूरत है। ऐसे में तमिल मनीला कांग्रेस ने भाजपा और उसके केंद्रीय गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है। जीके वासन के ऐलान के बाद तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने टीएमसी चीफ से चेन्नई में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया है कि भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वह 2024 में आम चुनाव के बाद टूट जाएगा। तमिलनाडु में भाजपा इस बार पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा की कोशिश थी कि वे एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन एआईएडीएमके के गठबंधन से बाहर जाने के बाद भाजपा छोटी पार्टियों के साथ राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। आपको बता दें कि तमिल मनीला कांग्रेस का गठन जी के मूकनान ने 1996 में किया था। कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाने वाले जी के मूकनार सिद्धांतिक तौर से बीजेपी के करीबी नहीं थे, इसलिए इस पार्टी की स्थापना उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के सहयोग के लिए की थी। 1999 में एआईएडीएमके ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब अटल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मूकनार ने एनडीए का विरोध किया था। दरअसल 2001 में जी के मूकनार के निधन के बाद उनके बेटे जी के वासन पार्टी के अध्यक्ष बने। वासन ने 2002 में तमिल मनीला कांग्रेस का विलय सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस में कर दिया, जिसके बाद 2014 में जी के वासन फिर कांग्रेस से अलग हुए और तमिल मनीला कांग्रेस का गठन हुआ। दोबारा बनी इस पार्टी के लिए वासन ने मूकनार की पॉलिसी को बदल दिया और वह कांग्रेस विरोध की राजनीति में सक्रिय हो गए और जी के वासन ने तमिलनाडु में कांग्रेस विरोधी एआईएडीएमके के साथ हाथ मिला लिया। इस तरह पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी। एआईएडीएमके के अलग होने के बाद तमिल मनीला कांग्रेस ने भी बीजेपी से कन्नी काट ली थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।